नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने जा रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूं पोहा उपमाओ। इस रेसिपी की खासियत यह है दोस्तों कि मैं ये बना रहा हूं बिना तेल के। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं ये रेसिपी बिना तेल यूज किए बनाने जा रहा हूं। तो बिना कोई समय वेस्ट किए चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोहा उपमाओ विदाउट एनी ऑयल। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमें चाहिए पहले 3 कप मोटा पोहा, फिर हमें चाहिए 1 प्याज बारीकी से कटे हुए, फिर लेंगे 1/2 कप नारियल ग्रेट किया हुआ, 1 लेमन जूस, 3 ग्रीन चिलीज, करी लीव्स, सॉल्ट एंड हल्दी पाउडर, उड़द दाल और राई के दाने। तो उपमा बनाने के लिए पहले हम पोहे को अच्छी तरह धो के हम निकाल लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे प्याज, कोकोनट, हरी मिर्च, करी पत्ते से हमने बारीकी से काट लिया है, नमक और हल्दी पाउडर। लास्ट में हम डालेंगे 1 नींबू का रस। ये सब डालने के बाद हमें इसे पोहे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये जो क्वांटिटी बता रहा हूँ मैं दोस्तों, इसे 5 लोग खा सकते हैं। तो आप अपने लोगों के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 0 ऑयल पोहा बनाने के लिए दोस्तों मैं इसे स्टीम करूँगा। तो मैं एक स्टीमर ले रहा हूँ और जो पोहा मिक्स हमने रेडी किया था वो मैं स्टीमर में डाल दूँगा। फिर मैं एक टॉक पॉट गरम करके उसमें डालूंगा पानी। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि पोहा उपमा के लिए हमें हमेशा मोटा पोहा यूज़ करना है। और जब पानी गरम हो जाए हम स्टीमर को पॉट के ऊपर रख देंगे और फिर उसे बंद करके हम 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे। 15 मिनट बाद दोस्तों खोल के हम चेक करेंगे, एक अच्छी तरह पक गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे तड़का। तड़का के लिए हम एक पैन गरम करेंगे, उसमें डालेंगे उड़द दाल और फिर डालेंगे राई दाने। जब राई के दाने उछलना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि वो अच्छी तरह पक गया है। अब हम इसे निकाल के पोहे के साथ ऐड कर लेंगे। और अब मैं ऐड करूंगा इसके साथ पीनट, यह हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है। आप चाहे तो पीनट्स की जगह पे रोस्टेड ग्राम दाल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि चना दाल। दोस्तों हमारा पोहा उपमा लगभग बनकर रेडी हो गया। चलिए इसे गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निशिंग के लिए मैं इस पे ऊपर डालूंगा थोड़ा चॉप किया हुआ अनियन, सेवई और बारीकी से कटे हुए धनिया के पत्ते। तो लीजिए दोस्तों, हमारा पोहा उपमाओ विदाउट ऑयल बनके रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको 0 ऑयल या स्टैक कुकिंग के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।